मुरादाबाद के कुंद्रकी थाना क्षेत्र के आगरा नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस के जवान से लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की काफी तलाश की, लेकिन पुलिस को बेरंग हाथों वापस लौटना पड़ा। कहा जा रहा है कि बदमाशों ने एक जगह पर 3 लोगों से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाने में तैनात पीआरडी अनेकपाल गागन तिहारे से ड्यूटी कर घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसके साथ हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीआरडी अनेकपाल के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो उसकी बाइक की चाबी निकाली और बाद में गन प्वाइंट पर लेकर जेब में रखी 3500 रुपए की नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। पीआरडी अनेकपाल ने किसी तरह घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और काफी देर बदमाशों की तलाशी की, लेकिन पुलिस को बेरंग वापस लौटना पड़ा। इसी के साथ मुरादाबाद में तैनात डायल 112 के सिपाही से भी लूट की चर्चा है। सूत्रों की माने तो बाइक सवार बदमाशों ने सिपाही से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सिपाही के पास से बदमाशों को कुछ हाथ नहीं लग पाया, लेकिन सिपाही बिना FIR कराए वापस चला गया। बताते चले कि कुंद्रकी मैनाठेर थाने के बोर्ड पर चीनी मिल के मैनेजर से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बेखौफ होकर बदमाशों ने लूट के बाद चीनी मिल के मैनेजर की गोली मार दी थी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल लूट की इन वारदातों से लोगों में खौफ है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। अनेकपाल जी, क्या हुआ था आपके साथ? मैं सर यहाँ से गांव तराय से ड्यूटी कर घर को वापस आ रहा था। इसी दौरान नांदपुर और हुसैनपुर के बीच में 2 युवक आए थे पीछे से, उन्होंने मेरे गाइड बाइक के पीछे से बाइक लगा दी। मैंने गौर नहीं दी, मेरे आगे जा रही थी गन्ने की ट्रॉली, उसके दूसरी साइड जो थी वो रोड चल रहा था भरा हुआ, मैं जो क्रॉस नहीं कर सका उसे। इसी दौरान मैंने 15 की 20 की स्पीड पर, जैसे इतनी स्पीड पर वो चल रही थी, थोड़ी सी दूरी लेके उसी स्पीड पर मैं चल रहा था। अचानक दोनों आए थे वो, और दोनों आने के बाद मेरी बाइक पर बैठ गया वो पीछे से, और बाइक पर बैठने के बाद उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल कर फेंक दी करीब 10-15 मीटर आगे अंधेरे में। उसके बाद उसने तमंचा लगा दिया मेरे पीछे से, और तमंचा लगाने के बाद उसने एक हाथ से तमंचा लगाया पड़ा, एक हाथ से मेरा पर्स निकाल लिया, उसके बाद दूसरी बार मेरा मोबाइल निकाल लिया। कितने रुपये ले लिए होंगे आपके? और मेरे पर्स में 3500 रुपये और मोबाइल भी। और कितने लोगों से लूट हुई है? और 2 लोगों से और लूट हुई। कौन कौन लोग थे कुछ पता है? अब उनका मेरा परिचय तो नहीं है मेरे पास। हाँ, 100 डाल का सिपाही है शायद, मगर मेरी उससे बातचीत नहीं हो पाई। क्या बता रहे थे, उसके साथ भी लूट हुई? हाँ, मगर उसका गया कुछ नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.